बनाने जा रहे हैं काले चने के डोसे। ये एक प्रोटीन रिच हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, प्लस इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप काले चने को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो अंकुरित चने भी यूज कर सकते हैं। ओवरनाइट भिगोने के बाद आप देख सकते हैं कि चने जो हैं ये थोड़े से फूल गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। पानी स्ट्रेन करके मैंने इन चनों को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 6 लहसुन की कली, 1/4 कप धनिया की पत्ती, 8 से 10 करी लीव्स, आधा कप मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ, 1/4 कप जाएगा इसमें दही, 1 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक, हालांकि नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप इसी नाप से अगर डोसा बनाएंगे तो आपके जो बैटर है वो एकदम परफेक्टली बन के आएगा। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट डोसे का बैटर बन के तैयार हो गया है, लेकिन हम इसको अभी 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अराउंड 20-25 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसके डोसे बना लेते हैं। अब मैंने एक पैन को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा डाल रही हूँ और एक टिश्यू पेपर की मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और जो हमारा बैटर है उसका मैं एक लैडल ले रही हूँ यहाँ पे और इसको हमें जेंटली हल्के हाथों से प्रेस करना है, बिल्कुल जैसे हम डोसा बनाते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो डोसा है वो ऊपर से ड्राई होने लगा है, तो मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो नॉर्मल रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसको हमें इसी तरह पकने देना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता नीचे से। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन होने लगा है, तो आपको बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है एंड डोसा डन।